हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्र घंटा का। पूजा हो गई है, सुबह के काम हो गए हैं, अब तैयारी शुरू हो गई है दोपहर के खाने की बच्चों के लिए। ये तो ऑफिस चले गए हैं, मैं कुछ खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे व्रत है नौ के नौ दिन। नौ दिन नहीं, हमारे यहाँ अष्टमी होती है तो सात व्रत होते हैं, अष्टमी के दिन व्रत खुल जाता है। बच्चे दोनों अंदर है, आज से उनकी छुट्टी हो गई है, दो एक दिन की शायद छुट्टी रहेगी। और आज तारीख है 1 अक्टूबर, दिन है मंगलवार और अभी समय 12:30 से ऊपर का हो रहा होगा। 12:30 बज रहे थे जब मैं ये कपड़े उतार के लाई बाहर से, कपड़े रखे हैं यहाँ पे, तय लगा रही हूँ। और सीटी आ रही है, मैंने बनाई है मिक्स दाल, मतलब गैस पे चढ़ाकर आ रखी हूँ, मिक्स दाल है और चावल। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की कर रही हूँ तय, कुछ कपड़े बाहर भिगोकर आई हूँ मैं। कपड़े धोने वाली थी लेकिन सुबह और रात में बहुत ही बारिश शुरू हो गई थी, रात से बारिश थी और सुबह 11 बजे तक खूब बारिश हुई है। लेकिन अभी धूप निकल गई है, कोई नहीं कह सकता कि बारिश हुई है, मौसम काफी अच्छा है। लेकिन मैंने पंखा चलाया हुआ है हल्के पे, मैंने सोचा था फिर मैं कपड़े नहीं दूंगी, बारिश है तार तार पे हो जाएंगे, सूखते भी नहीं है ठीक से। तो अब धूप निकल गई है तो मैं कपड़े भिगाई आई हूँ, मैंने कहा धो लेती हूँ क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, कल भी बारिश हो गई तो फिर अटक जाएंगे परसों के लिए, परसों हो जाएगा वीरवार। आज मैंने ना ये वाला कलर लगाया है, ये मैं बहुत लगाती थी पहले, 2 साल पहले तक मैंने खूब लगाया है, इस बीच मैंने कम कर दिया था, फिर मैं मेहरून से आ गई मेहरून और रेड पे। अब आप देखते होंगे मैं मेहरून और रेड बहुत लगाती हूँ। और यही वाले इयररिंग पहन लिए, यही मिल गए थे और मेरा ना जो काम है मंगलसूत्र का वो ही नहीं हो पाया, इतना जरूरी काम है, कब से अटका हुआ है, कब से वो मंगलसूत्र ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है। बहुत बार ऐसे ही होता है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं और छोटे काम अटके रह जाते हैं। कल इनको बोला था दूसरी चैन ले आना, ये भूल गए फिर काम के चक्कर में। लगाई आई हूँ सारी जगह पर, वैसे तो गुड्डू ने भी लगा दिए अपने, रख दिए तन्मय के रख दिए, तो 2-4 ही कपड़े थे जो मुझे रखने पड़े उठकर। और मुझे एक चीज याद आ गई व्रत से, जैसे मैं दाल चावल बना रही हूँ ना अभी, तो पहले मैं क्या किया करती थी कि दाल चावल बने और मैं व्रत खोल दिया करती थी, क्योंकि चावल की मैं दीवानी हूँ, चावल मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सब चीजों के बगैर रह सकती हूँ लेकिन चावल के बिना मैं नहीं रह सकती, तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर बन रहे हैं तो चाहिए। मैं व्रत खोल दिया करती थी कि भई अब मैं, मेरे से व्रत नहीं होगा, मैं चावल खाऊंगी। तो ससुराल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी सास ने पता नहीं किस घर में मैगी बनी थी, मैंने व्रत खोल दिया था कि भई मुझे मैगी खानी है। और हुआ क्या था कि मेरी सास ने शाम के टाइम ना, मेरी सास से ही सीखी थी वो चीज, मैंने टिक्की कह लीजिए या हमारे यहाँ ना उस तरह के पोटैटो हुआ करते थे, पटेटो ही बोलते थे उनको, जैसे समोसे होते हैं, ब्रेड पकोड़े होते हैं, पकोड़ी होती है, वैसे ही हापुड़ में 10 साल हो गए पता नहीं, पटेटो सा ही कुछ नाम था उसका। वो बेसन में आलू को फ्राई करके ना, आलू को फ्राई करके ठंडा करके साइड में रख के, जब आलू की वो पिट्ठी ठंडी हो जाया करती थी, उसको हाथ से टिक्की जैसी शेप देके बेसन में डिप करके उसको तल दिया करते थे। तो जिस जिसने वो खाए हैं उसका नाम क्या है मुझे जरूर बताना, हापुड़ में तो मैंने वही नाम सुना है। शादी के बाद से 10 सालों में मैंने वो नहीं खाया, हाँ घर पे जरूर मैंने बनाया है वो,
मेरी सास उसको कुट्टू के आटे में किया करती थी, जैसे वो टिक्की वाली शेप देके उसको कुट्टू में डिप करके उसको फ्राई कर लिया करती थी। तो जब मैंने देखा कि मम्मी शाम में ये चीज बना रही है, वो चीज मैंने नई यहीं पर खाई थी अपनी ससुराल में, तो मैंने कहा हाँ यार मैंने व्रत खोल दिया, अब मुझे उतना तो नहीं मिलेगा जितना व्रत वालों को मिलेगा, क्योंकि जिनका व्रत नहीं होता है उनको तो एक आधा या दो या तीन इतने मिल जाएंगे। तो मेरी सास जो थी वो बहुत अच्छी थी, तो मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, मैं कैसी बातें कर रही हूँ, व्रत रख के कोई भला इस तरह की तली भुनी चीजों की बातें कैसे कर सकता है। तो मैं अपनी सास को जाके बोल दिया था भाई अब मैं क्या करूं, व्रत तो मैंने खोल दिया, ये तो मुझे खाने हैं। तो मैं बोल दिया करती थी ऐसी कोई, ये तो मैं तीन चार लूंगी। तो भाभी और मम्मी थी किचन में, हंस पड़े थे दोनों कि ये कैसी है। तो ये शायद शुरू वाले साल की बात है, मेरी शादी हुई थी फरवरी में, मार्च में नवरात्रे आ जाते हैं, तो फिर मैंने खाए थे वो, मुझे याद आ गया अचानक से। तो ऐसे हुआ करता था, मैं कुछ भी चीज देख के, अच्छी सी चीज देख के व्रत खोल दिया करती थी। ऐसा पिछले, अब जो मैं पूरे उससे व्रत रखती हूँ, मतलब खोलती नहीं हूँ पूरे उससे, बोलते हैं ना कि अब नहीं, दाल चावल बन रहे हैं घर में मैं ही हूँ, चोरी से खा सकती हूँ, लेकिन अब नहीं होता वो, अब मन पक्का है, अब नहीं दिल ललचाता, अब आठ के आठ दिन मेरा दिल नहीं ललचाएगा, चाहे कुछ भी बन जाए, चावल छोड़ो कुछ भी बन जाए, व्रत है तो व्रत है। तो खुद ही हंसी आती है कि मैं कैसी थी और कैसी हो गई। आप में से भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, क्योंकि जो इंसान जुबान का कच्चा होता है, मतलब जुबान का कच्चा बोले तो खाने में, उस इंसान के साथ ये चीज हो जाती है। हाँ एक टाइम आता है, सब में बदलाव आता है, मेरा भी हुआ है, बहुत चीजों में बदलाव आया है। देखिए कितनी अच्छी निकल गई है आज, साड़ी पे ज्यादा अच्छा काम करेगा ये, इससे मेरी साड़ी इधर से गिरेगी भी नहीं। मुझे साड़ी पहनने का शौक तो है, लेकिन वो ये है ना, जैसे मैं कल बता रही थी आपको, थोड़ा संभालने में परेशानी आ जाती है। लेकिन आज मैं पूरा दिन साड़ी पहनूंगी, शाम का खाना भी साड़ी पहनकर ही बनाऊंगी। टेढ़ा हो गया, मुझे पता है इसे पहनने में क्या दिक्कत होती है, मेरी गर्दन में दर्द होता है इसे पहन के, यहां से मेरी गर्दन दुख जाती है, कंधे जैसे पता नहीं कितना बोझ रख लिया मैंने। ये मैं रोजाना पहनने के लिए नहीं लाई, क्योंकि मुझे इससे गर्दन में दर्द होता है। जब मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी, साड़ी पहनूंगी या त्योहार होगा जिसमें ज्यादा तेल घी उड़ता है, उसमें मैं इसका यूज करूंगी। दाल चेक कर लेती हूँ, कच्ची ना रह गई हो, क्योंकि इसमें चने की दाल थी जो कच्ची रह सकती है, बाकी इसमें जो दाल थी मलका थी काली और लाल, वो तो हो गई होगी, चने का दाल का है थोड़ा, वो भी हो गई है एकदम बढ़िया, मतलब गाढ़ी भी नहीं हुई, एकदम बढ़िया तरीके से, जैसे कभी कभी पानी डालना पड़ जाता है ना, तो वो नहीं हुआ है। चावल मैंने साफ करके रखे हुए हैं, बस मैं इसको छोंक देती हूँ। और हींग, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर और हरी मिर्च, मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ जैसे कि धनिया पाउडर और लाल मिर्च बस, गरम मसाला लास्ट में डालूंगी, इसी कसूरी मेथी। टमाटर हो चुके हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ दाल, मैं इसमें खद्दा नहीं लगाऊंगी क्योंकि दाल अच्छे से बन गई है, बस थोड़ी सी गर्म कर लूंगी और इसकी गैस बंद कर दूंगी। Thank you.
चावल मैंने छोक दिए हैं, अब मैं कपड़े कर लेती हूँ जब तक कि उससे सीटी निकलेगी। और ये दोनों तो वैसे भी बाहर चले गए हैं अभी के पास, तो अभी तो ये आने के भी नहीं है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम कर देते हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं करते हैं। कई बार जब हम बैठ के सोचते हैं या बच्चा स्कूल में होता है या कहीं चला जाता है तब हमें लगता है कि हाँ यार वो बच्चा क्या काम करता था। तो गुड्डू मेरे ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम कर देती है, कपड़े रखने का, बर्तन रखने का, आजकल तो वो दो चार प्लेट्स भी साफ़ कर देती है, छोटे मोटे बर्तन जो होते हैं। तो उसने तार पे यहाँ पे कपड़ा मार दिया है और मैं यहाँ पे बस कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े मैंने नीचे नहीं डाले ना स्टैंड पे डाले, क्योंकि कपड़े मैंने आज ड्राई नहीं करे हैं तो वो नीचे बिल्कुल भी नहीं सूखते। ड्रायर करे हो तो फिर भी उम्मीद है कि चलो कल तक वो सूख जाएंगे, रात भर छोड़ देंगे तो मैंने कहा क्यों ड्रायर करने जब अच्छी खासी धूप खिली हुई है, तो ऐसे ही डाल देती हूँ ऊपर। और जो बच्चों की ड्रेस धोई है मैंने वो कल चाहिए भी नहीं क्योंकि उनकी छुट्टियाँ हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल देती हूँ, बिजली की भी बचत होगी और नीचे तार पर कपड़े अच्छे भी नहीं लगते कि अचानक से कोई आ जाए देखेगा बस कपड़े हो रखे हैं चारों तरफ। जब तक मैंने अपने कपड़ों का काम ख़त्म किया तब तक मेरे यहाँ पे चावल बनके तैयार हो गए थे, सीटी निकल गई थी। कपड़े धोने से पहले मैंने चावल को छौंका था, तो ये वाली दाल है, ये चार दालें थी इसमें, पांच नहीं थी, एक चने की, उड़द की, काली मलका, लाल मलका। तो दोनों बच्चों का खाना लगा दिया है मैंने, देखने में तो दाल अच्छी लग रही थी, अब जो खाएगा उसको पता होगा क्योंकि मेरा व्रत है, मैं तो खा नहीं सकती। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, मैं देकर आती हूँ बच्चों को। यहाँ पर मैं अपने रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ, जो मुझे टिक्की बनानी है उसकी तैयारी है ये। तो घी गरम हो गया है, मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरे के बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च, तीन चार हरी मिर्च थी तो हरी मिर्च को होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डालूंगी। मैं ये एक तरीके से आलू फ्राई कर रही हूँ उस टिक्की के लिए, फिर मैं इसकी टिक्की बनाऊंगी जो मैंने आप लोगों को दिन में बताया था। तो मसालों को मैंने अच्छे से घी में मिक्स कर दिया है, कुछ सेकंड के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये आलू जो मैंने उबाल कर रखे हैं। आलू को आप अच्छे से फोड़ लीजिएगा, जिस तरीके से आप आलू के पराठे बनाते हैं इस तरीके से कर लीजिएगा, या हल्के फुल्के मोटे मोटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मोटे रखेंगे जैसे इस वक्त मेरी कढ़ाई में है तो फिर टिक्की नहीं बन पाएगी। मैंने बाद में कड़छी से इनको अच्छे से जो है फोड़ लिया था, मैश कर लिया था अच्छे से, जिस तरीके से आलू के पराठे करते हैं। और मैं इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस बंद कर दूंगी, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में 15-20 मिनट। अभी 8 बजने वाले हैं, 8 बजने में 6-7 मिनट है अभी। तो आलू मैं फ्राई करके रखाई हूँ जो टिक्की बनाने वाली हूँ। टिक्की क्या उनको मैं, टिक्की तो वैसे होती है जिसमें मतलब कुट्टू वगैरह नहीं वो करते हैं, तो उसको मैं कुट्टू में ऐसे कर लूंगी टिक्की की शेप देकर। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। आजकल के आलू ना अच्छे नहीं आ रहे, वो वाले आलू होते हैं ना जो थोड़ा सा तेल डालो वो ऑयली से लगते हैं, देखने में टेस्टी लगते हैं। इनमें कितना भी तेल घी डाल लो सूखे से लगते हैं, खिले से लगते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है कुट्टू का आटा, मैंने नाप के नहीं लिया है, अंदाजे से ले लिया है। और इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च और सेंधा नमक, सिर्फ ये दो चीज़ डाल रही हूँ। आप जो भी व्रत में खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से हरा हरा लगेगा। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो मैं पहले इन दोनों चीज़ों को सूखा मिक्स कर रही हूँ आटे के साथ, फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें इसको मिक्स कर लूँगी, इसका घोल सा तैयार कर लूँगी। एकदम से पानी नहीं डालूंगी, पता चला ये पतला हो गया फिर किसी काम का नहीं रहेगा, और आटा मिक्स करना पड़ेगा, फिर वो घोल बचा रहेगा। तो अगर आप इसको पहली बार बना रहे हैं तो जिस तरीके से आप ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसका घोल तैयार कर लें। और अगर आप इसको बनाते रहते हैं फिर आपको पता ही होगा कि किस तरीके से घोल तैयार करना है। तो ये रहा वो आटा जिसको मैंने इस तरीके से घोल लिया। जिस बर्तन में मुझे ये टिक्कियां तलनी है उस बर्तन की गैस मैंने जला ही दी थी जब मैं कुट्टू का घोल तैयार कर रही थी, और जो आलू मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं वो ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनकी टिक्की की जो इन्हें शेप देनी है वो शेप मैं इनको दे लूंगी। तो पहले मैंने गोल गोल एक बोल की तरह बना लिया है जितना मुझे रखना है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा दबा दूंगी, टिक्की की शेप दे दूंगी, बस ऐसे ही करना है।
फ्राई करके अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इनको फ्राई भी ना करें, सीधा आलू उबालें, उसमें नमक मिर्च जो भी मिलाना चाहते हैं आप, जो भी व्रत में खा लेते हैं या नहीं खा लेते हैं अपने हिसाब से, वो सब उसमें मिक्स कर दें और उसके बाद बस इसमें घोल के सीधा इसमें डाल दें। तेल भी आपको जैसे मर्जी रखना हो, तेल मतलब घी रिफाइंड जो भी आप यूज करते हैं उस हिसाब से इसमें रख लें कढ़ाई में। मैंने ज्यादा नहीं रखा है, ठीक ठाक रखा है। मैं यहाँ पे साइड में कर लेती हूँ दो चार पहले, फिर तलूंगी बाद में। तो ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है और ज्यादा मतलब टिक्कियां डालने से ये फिर आपस में चिपकेंगी भी, तो इसकी वजह से मैंने ये चार पांच बना ली हैं और मैं अब इनको कढ़ाई में डालूंगी। मैं इस तरीके से कर लूंगी इसको, और आंच जो है गैस की मैंने कम पे की हुई है। इस तरीके से आप ब्रेड पकोड़े को डालते हो उस तरीके से डाल के इसमें डाल दें और एकदम से इनको ना पलटे, थोड़ा सा रहने दें दो या तीन मिनट कम आंच पे। इतने ही डालूंगी बस। तो इनको मैं पूरा दो से तीन मिनट बाद ही पलटने जा रही हूँ। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये मतलब आलू हैं, मैंने इनके ऊपर ज्यादा कुट्टू को नहीं चढ़ाया है तो वो फट सकती हैं, आलू निकल जाएंगे, पूरा तेल गंदा हो जाएगा। तो आराम से उनको सिकने दे कम आंच पे अंदर तक अच्छे से, फिर आप उसको पलटें। और जब तक ये रही तब तक मैंने यहाँ पे ये इतनी और बना ली, और भी बना लेती हूँ जब तक ये नीचे से भी सिकती हैं। तो ये इस तरफ से भी सिक चुकी है और इस तरफ से भी सिक चुकी है, थोड़ा सा और पलट दूंगी ताकि ये इस तरफ से भी हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोनों तरफ से सिकने में और ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप दही दही के साथ भी खाएंगे, नहीं हरी चटनी बना पा रहे हैं, हरी चटनी मेरा बनाने का मन था लेकिन बस मैंने नहीं बनाई जल्दबाजी में, फिर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा, हरी चटनी हो या फिर लाल वाली भी अच्छी लगेगी इसके साथ। लेकिन वही है ना, मीठी वाली कैसे बनेगी, वो तो शायद नहीं खाते इमली व्रत में, तो हरी चटनी और दही ले लीजिएगा, ठंडी ठंडी दही। मैं इनको निकाल रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और डाल दूंगी इसमें चार पांच। इसी तरह से मैं बाकी की जो टिकियां हैं वो सारी तल लूंगी एक एक करके, चार चार ही डालूंगी मैं एक एक बार में, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं डालूंगी तो फिर वो आपस में चिपक जाती है और जब उनको हम हटाने लगते हैं तो वो फिर जो है उधर से फट जाती है, जिसकी वजह से आलू आलू हो जाते हैं। एक तो टिक्की में भी तेल जाएगा, ऊपर से तेल भी गंदा हो जाएगा। तो मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है, आप लोग भी खा लीजिए। दही ले ली है मैंने, दही में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल लिया है। अगर आप इसको मतलब जैसे टिक्की की तरह जैसे बाजार में मिलती है ना, इसको फोड़ के इसमें हरी चटनी और दही डाल के खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ही खाऊंगी दही में डुबा डुबा के। तो आप लोग भी खा लीजिए। जो मैंने अपने लिए बनाई थी ये ठंडी हो गई थी रखे रखे, क्योंकि मैंने फिर ये आ गए हैं इनको खाना दिया तो फिर मैंने इनको हल्का सा हाथ से दबा दबा के गर्म किया है, जिसकी वजह से ये ऐसे खुल रही हैं, वरना ये बिल्कुल बढ़िया बनी थी। हल्का सा हाथ से दबा के मैंने सारी टिक्कियों को दोबारा से फ्राई किया था। तो खाना पीना सब हो चुका है, बहुत देर हो गई है खाना खाए हुए, उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन किए थे और टाइम हो रहा है 9:45 का। बस अब मैं सोने जाऊंगी, चेंज करूंगी पहले साड़ी को। मैं चेंज करने जा रही थी, मैं भूल ही गई कि मैंने वीडियो का एंड नहीं किया, आप लोगों को बाय बाय नहीं की। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दो मिनट बाद चेंज कर लूंगी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी टिक्की, जो जो भी ट्राई करेगा मुझे जरूर बताना, जो लोग बनाते होंगे उनको बताऊंगा टेस्टी लगता है। और देखो टेस्टी का तो ये है, जो चीज फ्राई हो जाती है, तलती है, भुनती है, वो चीज तो अपने आप ही स्वादिष्ट होती है, जुबान के लिए, हेल्थ के लिए नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी जुबान के लिए भी करना चाहिए। तो मेरा भर गया है पेट, मैंने पानी नहीं पिया, अभी पानी पीऊंगी। और एक चीज थी लेकिन अभी मैं भूल गई, हाँ कि दीदी आप नेल पेंट लगा लो, नेल पेंट लगा लो, एक नेल पेंट की कमी है। तो मैंने ये सोच रही थी कि अब तो करवा चौथी आ जाएगा 15-16 दिन बाद, मैं तभी लगा लूंगी, अब लगाऊंगी फिर तब भी लगाऊंगी, ये ज्यादा लगाने से नाखून खराब होते हैं इसीलिए मैं बहुत कम लगाती हूँ। बस मैं करवा चौथ के बाद, जब करवा चौथ क्या दिवाली विवाली सब हो जाएगी ना, ये अपने नाखून काट दूंगी ताकि ये ना दिखे, अच्छे नहीं लगते बिना नेल पेंट के, इस तरह से बड़े हुए नाखून अच्छे नहीं लगते हैं, इनको बहुत गुस्सा आता है,
मैं लेकिन अभी तो नहीं काटूंगी इनको, क्योंकि अब तो करवा चौथ है, हाथ अच्छे लगते हैं मेहंदी वाले जब नखून से दिखते हैं तो। और बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया है, 1 अक्टूबर है यार, आज से जो है त्योहारों का जो मौसम है, त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो गया है। ये महीना त्योहारों का है, बहुत ही अच्छे अच्छे त्योहार आएंगे, खुशियां लाएंगे अपने साथ। तो शॉपिंग, खरीदारी, मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस महीने में। और घर की सफाई भी शुरू करनी है अभी तो, जो बिल्कुल भयंकर वाली होती है वो वाली होगी, उसमें भी लगना है, कमर कसनी पड़ेगी अपनी। चलिए अब हम यहीं पर इस वीडियो का एंड कर देते हैं, कल मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।